हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। ये पूरा एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है? थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का जो विपरीत प्रमेय होता है उस पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो मैं एक मिनट में पहले रिवीजन करा देता हूँ। थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय क्या होता है कि अगर आपका कोई ट्रायंगल है ए बी सी, आप क्या करें, किसी एक भुजा के समांतर, मान लें बी सी के समांतर एक रेखा खींचा आपने जो इसको डी पे और इसको ई पे कट कर रही है। तो आपने क्या किया, डी समांतर बी सी ये है, तो क्या होता है, ये जो दोनों भुजाओं को विभाजित करती है ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ए सी, ए डी अपान डी बी टू ए अपान ई सी, ये होता है, इसका आप यूज कर सकते हैं। तो किसी थ्योरम में दो पार्ट होते हैं, एक तो जो आपको पता रहता है कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, तो अगर आपको ये मिल जाए तो फिर ये आप ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए अपान ई सी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसका उल्टा करके लिखा जाए, रेसिप्रोकल करके, तो ये क्या हो जाएगा, डी बी अपान ए डी इक्वल टू ई सी अपान ए, यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डी बी यानी बी डी अपान डी ए इक्वल टू सी ई अपान ई ए, ये देखिए बी डी अपान डी ए इक्वल टू सी ई अपान ई ए, तो कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही दिया हो, ये भी होगा तब भी चल जाएगा। और इसका विपरीत क्या होता है परमेय 6.2 की, किसी ट्रायंगल ए बी सी में आपने कोई रेखा डी खींची है जो इसको डी पे और इसको ई पे कट करती है, और इस हिसाब से कट करती है कि ए डी अपान डी बी, ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी है, ये आपका है, तो हम लोग क्या कहेंगे, डी समांतर बी सी, डी समांतर बी सी होगा, ये क्या है परमेय 6.2, और ये क्या है परमेय 6.1, ये थेल्स परमेय, ये थेल्स परमेय का विपरीत। तो हम लोग इसी दो का यूज बार 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 करेंगे, इसलिए मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवा दिया। अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी, ए बी सी डी एक समलंब है, तो समलंब में क्या है, एक आमने सामने की भुजा का एक एक गुण क्या होता है, समांतर होता है, ये ए बी सी डी, ए बी समांतर डी सी, तो हम लोगों ने बना लिया कि क्योंकि ए बी समांतर डी सी दिया था तो हमने ए बी समांतर डी सी बना भी लिया, तथा इसके विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, इसको यहाँ से मिला हो, ये विकर्ण हो गया एक, और एक विकर्ण ये हो गया, ये कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये पॉइंट कौन सा है, ओ, दर्शाइए कि ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ। चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर डी सी, ये क्या है आपको दिया है, और ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ, ये आपको सिद्ध करना है। तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहले एकदम क्लियरली देखेंगे कि हमको क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया है, एकदम क्लियरली देखेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि हमको क्या सिद्ध करना है या क्या लाना है। ये सिद्ध करना है ए ओ अपान बी ओ। अब ए बी समांतर डी सी है और ये ए ओ अपान बी ओ, ये ए ओ अपान बी ओ है इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ,
इसको थोड़ा सा आप चेंज करके लिख सकते हैं कि AO अपान CO को इधर ले आइए, CO इधर जो है मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में, और BO को इधर ले आइए तो AO अपान CO इक्वल टू BO अपान DO। ये लिखा हो या ये लिखा हो कोई फर्क नहीं, ये सिद्ध करना है या ये क्यों किया, क्योंकि AO अपान CO ये रेशियो मिल रहा है हमको, कहीं BO अपान DO रेशियो मिल रहा है तो ये हमको मिलेगा आधारभूत समानुपातिकता पर में लगाएंगे तो ये मिलेगा हमको, और AO अपान BO ये नहीं ढूंढ पाएंगे। तो हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, O से एक लाइन ड्रा किया OM जो AB के पैरेलल है, OM पैरेलल AB खींचा, तो OM पैरेलल DC भी होगा क्योंकि AB पैरेलल है DC के, तो आप AB के पैरेलल दो लाइन, ये पैरेलल लाइन है दो, आप कोई तीसरी लाइन इसके पैरेलल खींचिए तो ये अपने आप इसके पैरेलल हो जाएगा, तो एक ही समान एक ही रेखा के समांतर रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, तो ये समांतर है और ये समांतर है तो ये भी समांतर हो जाएगा। OM समांतर AB हम लोगों ने खींचा और OM समांतर DC होगा, क्यों, क्योंकि AB समांतर DC दिया है, क्योंकि AB समांतर DC दिया है, इसका हम लोगों ने यूज किया। तो इसको मैं एक दोबारा कर देता हूँ कि कोई लाइन है L1 ये L2 के पैरेलल है और कोई लाइन है L3 ये भी क्या है L2 के पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल है और L3 क्या है L2 के पैरेलल है, यानी L2 L1 के भी पैरेलल है और L2 L3 के भी पैरेलल है, तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि L1 और L3 भी क्या होंगे पैरेलल होंगे। इसको ये थ्योरम है नाइन्थ में कि एक ही रेखा के समांतर रेखाएं आपस में समांतर होंगी, तो L2 के समांतर ये है, L2 के समांतर ये है, तो ये भी क्या होगा समांतर होगा, तो इस चीज़ का हमने इसको आप लिख सकते हैं कहीं पे इसका यूज किया। अब हम लोग देखते हैं ट्रायंगल DBA में, ट्रायंगल DBA DBA ट्रायंगल मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये आपका हो गया B और ये A और ये D और DB वाली लाइन पे कहीं पे O है और ये OM, ये O है और ये M। अब OM पैरेलल AB, OM पैरेलल AB है क्योंकि हम लोगों ने OM जो है AB के पैरेलल खींचा ही है जानबूझ के, यानी एक भुजा के समांतर रेखा खींचा आपने तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, इसका मतलब कि DO अपान OB इक्वल टू DM अपान MA। ट्रायंगल DBA में MO समांतर AB अतः DO अपान OB, DO अपान OB इक्वल टू DM अपान MA। परमेय 6.1 से यानी थेल्स के परमेय से, DO अपान OB हम लोगों को क्या लाना है कि डी बी ओ अपान डी ओ इक्वल टू ए ओ अपान सी ओ। अब हम लोग फिर एक काम करते हैं, ये ट्रायंगल ए डी सी, कौन सा ट्रायंगल ए डी सी,
ट्रेंगल एडीसी को मैं बना देता हूँ ये आपका ए है, ये डी है, ये सी है। शुरू में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो इसके लिए अलग थोड़ा इसलिए बना देता हूँ कि एकदम क्लीन दिखे कि ये ट्रायंगल हमने ए डी सी को क्या किया, यहाँ छाप दिया। अब क्या है ए सी पे ये ओ है, ए सी पे कोई भी ओ है और यहाँ से क्या डाला गया है ये पैरेलल है ओ एम, ये ओ है और ओ एम पैरेलल डी सी है, ओ एम पैरेलल डी सी है। तो हम लोग अब क्या करेंगे ट्रेंगल ए डी सी में ओ एम पैरेलल डी सी अतः ए एम अपान एम डी इक्वल टू ए ओ अपान ओ सी, ए एम अपान एम डी इक्वल टू ए ओ अपान ओ सी। ये जो है हम लोगों ने क्या कह दिया समीकरण नंबर एक, ये समीकरण नंबर दो। अब देखिए ये डी एम अपान एम ए अगर आप इसको रिवर्स करके कर दें तो ये क्या हो जाएगा एम डी अपान एम ए इक्वल टू सी ओ अपान ए ओ। ये क्या कर दिया हम लोगों ने यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल का मतलब कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो रेसिप्रोकल कर दोगे यानी ये ऊपर ये नीचे तब भी इक्वल होगा। तो एम डी लिखो आप या डी एम लिखो तो एम डी अपान ये ए एम या एम ए इक्वल टू सी ओ या ओ सी अपान ए ओ। सी ओ को आप मैंने पहले बताया कि एक ए बी रेखाखंड है, आप इसको ए बी पढ़ो या बी ए पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ सकता, दोनों एक ही चीज़ है। तो एम डी अपान एम ए यानी डी एम अपान एम ए इक्वल टू सी ए अपान ए ओ। अब हम लोग इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर टू। तो अब देखिए डी एम अपान एम ए, डी एम अपान एम ए की वैल्यू क्या है डी ओ अपान ओ बी है और उसी की वैल्यू क्या है सी ओ अपान ए ओ है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि समीकरण एक तथा दो से क्या हो जाएगा कि डी एम अपान एम ए की वैल्यू इक्वल कर देंगे। तो यहाँ क्या है डी एम अपान एम ए की वैल्यू ये डी ओ अपान ओ बी है तो डी ओ अपान ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एम अपान एम ए की वैल्यू क्या है सी ओ अपान ए ओ। आप ऐसे समझिए कि डी एम अपान एम ए यहाँ पे मान लें 10 के इक्वल है और यहाँ पे डी एम अपान एम ए पता नहीं किसके इक्वल है लेकिन ये होगा कितना ये भी 10 ही होगा ना अगर इक्वल है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं कि ए बराबर बी और C बराबर B। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से A बराबर C मिल जाता है हम लोगों को। तो डी ओ अपान ओ बी इक्वल टू सी ओ अपान ए ओ। फिर इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग जो हमको लाना है उसको देखते हैं ए ओ अपान बी ओ यानी ए ओ ऊपर है तो इसका क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल। तो ए ओ अपान ये सी ओ हो गया और वो क्या हो गया बी ओ अपान डी ओ। फिर ए ओ अपान बी ओ, बी ओ का साइड चेंज करिए तो ये क्या हो जाएगा ए ओ अपान बी ओ, बी ओ इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में सी ओ को इधर ले आइए सी ओ मल्टीप्लाई में है तो क्या हो डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये सी ओ अपान डी ओ। ये आपको ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ यही आपको सिद्ध करना था। तो इसमें क्या एक बार फिर से पूरा कर लेते हैं ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी और ये जो विकर्ण है इसके ये बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद करते हैं और हमको सिद्ध करना है कि ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ। तो हम लोग क्या करते हैं ये जो ओ से एक लाइन ड्रा करते हैं ओ एम जो ए बी के पैरेलल है
तो अगर ए बी के पैरेलल है, ए बी के समांतर है, तो ए बी डी सी के समांतर है, तो ये क्या होगा, डी सी के भी समांतर होगा, यानी ओ एम समांतर डी सी भी होगा। ओ एम पैरेलल ए बी खींचा, ओ एम समांतर डी सी भी होगा, क्योंकि ए बी डी सी समांतर हैं। तो हमने पहले बताया कि एक ही रेखा के समांतर रेखाएँ आपस में समांतर होती हैं। अब हम लोग देखते हैं ट्रायंगल ए डी सी में, तो ट्रायंगल ए डी सी को अलग हमने बना के दिखाया था कि एम ओ समांतर डी सी है, तो आप क्या कहेंगे, ए एम, हाँ ट्रायंगल ए डी सी में ए एम अपान एम डी इक्वल टू ए ओ अपान ओ सी। और फिर हम लोगों ने कौन सा ट्रायंगल में लिया था, डी बी ए में, ये पैरेलल ये है, तो ये रेशियो डी ओ अपान ओ बी इक्वल टू डी एम अपान एम ए। उसके बाद क्या क्या थोड़ा सा चेंज किया और हम लोगों को वही मिल गया जो हमको प्रूव करना था। तो इसमें क्या होता है कि जो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करता है, जैसे देखिए मैं एक बताता हूँ कि ए अपान बी इक्वल टू सी अपान डी, ये ऐसे लिखा है, आप रेसिप्रोकल कर दीजिए तो ये बी अपान ए इक्वल टू डी अपान सी हो गया। ये और ये भी ये लिखा हो या ये लिखा हो, आप क्या करते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा कुछ होता नहीं, लेकिन इससे कैलकुलेशन जो है हो ही जाता है। मतलब इस टाइप का ये बनने के लिए क्या करेंगे, यहाँ बी से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, फिर दोनों साइड डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, तो हम लोग उसी को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए इंटू डी, वही रिजल्ट आ जाता है। तो ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। अब हम लोग क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, सी सी का साइड चेंज करते हैं और डी का भी साइड चेंज करते हैं। डी मल्टीप्लाई में इसको इधर लाते हैं और सी को इधर लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी। तो ये और ये तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसी में जो है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन बनेगा, कन्फ्यूजन क्या बनेगा, अगर आप ये चीज़ सीख लिए तो ये रेशियो उलट पलट के इधर उधर करके दिया रहेगा आपको कन्फ्यूज करने के लिए। जैसे ए अपान बी इक्वल टू सी अपान डी को ऐसे ना लिख के ऐसे कर दिया, ए अपान सी इक्वल टू बी अपान डी, तो आपको देखना होगा कि हमको मिलेगा क्या, ए अपान बी मिलेगा, क्योंकि जब रेशियो आप निकालते हैं ये ए बी डी, तो ए डी अपान डी बी जो सारे होते हैं एक ही लाइन पर होते हैं वही मिलता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इसको उल्टा पुल्टा करके देखना रहेगा हम लोगों को। तो थेल्स प्रमेय और उसका बहुत आसान है ये, इसमें आप दिमाग में एकदम रखिए थेल्स प्रमेय और उसका विपरीत, उसके बाद क्या है उसी का यूज करिए, रेशियो देखिए, फिर आगे बढ़ते चले जाइए। एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लिए तो फिर क्या हो गया, एकदम क्लियर हो जाएगा और फिर आप करते चले जाएंगे। तो अभी यहीं तक रखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके पहले वाला। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग।